नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजधानी पटना में मेट्रो का काम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के लिए लगातार निविदा निकालकर काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते एक साल में एक दर्जन से अधिक निविदाएं जारी की जा चुकी है, इनमें से कुछ को फाइनल कर काम का भी आवंटन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में नगर निकास एवं आवास विभाग के साथ विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक हुई है। इस बैठक में जीरो माइल से लेकर आईएसबीटी के पास बनने वाले मेट्रो के टर्मिनल तक जाने वाले मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर विचार विमर्श भी हुआ। आपको बता दें कि मेट्रो के डिजाइन के अनुसार मेट्रो जीरो माइल के ऊपर से होकर गुजरेगा। दरअसल पटना गया रोड पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए जीरो माइल से बस टर्मिनल तक 6 लेन की सड़क बनाई जानी है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से काम भी चल रहा है। अब दोनों निर्माण के अनुसार उस पूरे क्षेत्र का स्वरूप ही बदल जाएगा। अगर दोनों निर्माण के डिजाइन को एक साथ देखें तो नीचे 6 लेन की सड़क और ऊपर मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जो काफी आकर्षक और विकसित दिखेगा। आइए एक नजर डालते हैं पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पे। कॉरिडोर एक दानापुर मीठापुर खेमनी चक होगा। कॉरिडोर कुल 17.933 किलोमीटर लंबा बनेगा, जो कि 7.393 किलोमीटर एलिवेटेड और 10.54 किलोमीटर भूमिगत होगा। कॉरिडोर टू पटना जंक्शन से गांधी मैदान राजेंद्र नगर मलाही पकड़ी होते हुए पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक जाएगा। 14.564 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 6.638 किलोमीटर एलिवेटेड और 7.926 किलोमीटर भूमिगत बनना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते वर्ष 22 सितंबर को पटना मेट्रो के कार्य का आरंभ किए थे। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13,365.77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। परियोजना लागत में 20% राशि का बिहार सरकार और 20% राशि का केंद्र सरकार आवंटन करेगी, जबकि शेष 60% राशि जापानी एजेंसी जायका से लोन लिया जाएगा। मेट्रो के कॉरिडोर टू में प्राथमिक के आधार पर काम शुरू किया गया है। इस कॉरिडोर में 7 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि 5 स्टेशन ऊपर बनेंगे। पटना जंक्शन से आईएसबीटी तक जाने वाले कॉरिडोर दो में राजेंद्र नगर के बाद से ही ऊपरगामी स्टेशन शुरू हो जाएंगे। इस रूट का पहला ऊपरगामी स्टेशन मलाही पकड़ी होगा। इसके बाद खेमनी चक भूतनाथ रोड जीरो माइल और पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक ऊपरगामी ही स्टेशन बनाए जाने वाले हैं। वहीं पहले कॉरिडोर व दूसरे कॉरिडोर का जंक्शन पॉइंट खेमनी चक पर होगा। यहां रूट बदलने की सुविधा रहेगी। कुल मिलाकर राजधानी पटना में मेट्रो परिचालन को लेकर विभाग एक्टिव है और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना वासियों को जल्द ही मेट्रो का सौगात मिलने वाला है। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि पटना में अगले 3 सालों में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। पटना मेट्रो के कार्य को अंजाम देने के लिए डीएमआरसी की ओर से लगातार निविदा निकाला जा रहा है। अब तक लगभग 1 दर्जन निविदा जारी किया जा चुका है और उनमें से कई को फाइनल भी किया जा चुका है। उन्हें फाइनल कर काम का आवंटन भी किया जा चुका है। पटना में मेट्रो शुरू हो जाने के बाद लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।